लुधियाना के वार्ड नंबर 28 में पीने के पानी में सीवरेज मिक्स पानी आ रहा था। उस पर हमने 22 अगस्त 2019 को एक वीडियो बनाई और समुदाय के साथ मिलकर एक लिखित शिकायत जोनल कमिश्नर सुरेंद्र पाल को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए वहां पर सफाई की गई और लोगों को साफ पानी मुहैया कराया गया। बीमार थाना में क्यों तीन महीना भाई जाते हैं। यहाँ पानी कैसा आता है? पानी खराब हुआ होते है, बहुत खराब गंदा। तो फिर पानी पीने का पानी कैसे करते हो आप लोग, कहाँ से लाते हो? अरे वो वहाँ दूर से लाए। मेरा नाम शिवा है, मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ। बहुत बच्चे बीमार पड़ गए हैं और मैं भी बीमार हूँ, इसीलिए मुझे स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ी। मैं हूँ चिंता देवी, मैं दुर्गा कॉलोनी से। मेरा लड़का की तबीयत खराब है, मैं दवा लेने जाती हूँ। लुधियाना के वार्ड नंबर 28 में काफ़ी समय से पानी पीने के पानी में सीवरेज मिक्स पानी आ रहा था, जिससे कि काफ़ी लोग बीमार हो रहे थे। फिर हमने उस पर 22 अगस्त 2019 को एक वीडियो बनाया, जिसको कि समुदाय को दिखाया और उसे व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर भी शेयर किया गया। अधिकारी और न ही हेल्थ विभाग के अधिकारी इसकी सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ इस इलाके को एक के साथ एक जिसके बाद समुदाय के साथ मिलकर हमने एक लिखित शिकायत जोन बी के जोनल कमिश्नर सुरेंद्र पाल सिंह को दी, जिस पर उस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने उस इलाके में सफाई कराई तथा जो कि पाइपें लीक हो रखी थी उन पाइपों की रिपेयर कराई गई, जिसके बाद इलाके के लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हुआ। अब कैसी रहती है आपकी तबीयत? अब हमारी तबीयत बहुत अच्छी रहती है, अब बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ के पूरे कॉलोनी की दशा बहुत अच्छी हो गई। हाँ, तो अब आपको तो बीमारी के कारण पहले छुट्टियां करनी पड़ती थी, अब स्कूल का कैसे जाते हो फिर? स्कूल अब अच्छे से पहुंच जाते हैं और कुछ रुकावटें भी नहीं आती है, ना कोई सीवरेज वीवरेज का पानी। तो आपका जो बेटा था उसकी तबीयत खराब रहती थी, किस कारण से रहती थी खराब? ये साफ सफाई नहीं ज्यादा रहता था जी, अब सफाई ज्यादा है जी, अब अच्छा से स्कूल जाता है जी। और जो आपका पानी पीने का आता है उसमें अब गंदा पानी तो नहीं आता? अब साफ पानी कैसा आ रहा है पीने का? सफाई से आ रहा है जी। अब आपके यहाँ पे पानी कैसा आता है? पानी अब ठीक आ रहा है, गंदा पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे बच्चे भी ठीक है, सब कोई ठीक है, अब दवाई नहीं कर रही। तो इससे आपके पैसे का भी बचत होता है क्या? बचत होता है। अच्छा, पहले जब बीमार रहते थे तो पैसा कहाँ जाता था? डॉक्टर ही जाता है, और कहाँ जाएगा। आपको अच्छा लगता है पानी साफ आने से? हाँ, पानी साफ आ रहा है, अच्छा लगता है। पहले पानी गंदा आ रहा है, अब तो साफ आ रहा है। अब आपके यहाँ पे पानी कैसा आ रहा है? अब हमारे यहाँ पानी बिल्कुल साफ है, पहले सीवरेज जाम थे इसलिए गंदा पानी आता था, अब जब से सीवरेजों की सफाई हो गई है तब से पानी बिल्कुल साफ आता है। मतलब पानी साफ आने से अब क्या सुविधाएं हो गई आपको? पानी साफ आने की सुविधा है कि एक तो बीमार नहीं होते हम लोग, साफ पानी पीने के लिए मिलता है। इस वीडियो से 10 से 12 हज़ार लोगों को फ़ायदा पहुंचा, जिससे कि उन्हें साफ पानी पीने के लिए मिला। इसके बाद वह लोग खुश हैं, वह वीडियो वॉलंटियर्स का धन्यवाद कर रहे हैं।